ये है कामधेनु भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष पोलकड़े। मैं पेशे से माइक्रोबायोलॉजी में मेरा डॉक्टरेट है और मैं कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट करके बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ। अभी अगर हम देखें तो हमारे तरफ भी वो आ रहा है कि A2 मिल्क हमको चाहिए। व्हाट इज़ A2 मिल्क एक्चुअली, कि A2 में और A1 में क्या डिफरेंस है? तो सादे शब्दों में कहा जाए तो A1 मिल्क मतलब जर्सी गाय का दूध और A2 मिल्क मतलब देसी गाय का दूध, ऐसा सादे शब्दों में हम कह सकते हैं। लेकिन ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो जिसके माध्यम से एक ऐसा है कि भारत देश में अगर कोई चीज़ बाहर से आती है, पाश्चिमात्य जग से आती है, तो हम लोग उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर वही चीज़ हमारे देश की है तो हमारे में वो प्राइड नहीं है, तो वो प्राइड पुनः प्रस्थापित करने के लिए A2 शब्द है। लेकिन दोस्तों इसको मत भूलिए, सिर्फ देसी गाय पे ही हमको काम करना है। तो A1 और A2 इसका फ़र्क हम समझते हैं। A1 मीन्स A1 इज़ अ नेम ऑफ प्रोटीन। तो जब हम दूध निकालते हैं, गाय का दूध जब हमारे पास में आता है, तो उसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमको पता चले कि वो A1 है या A2 है। तो A1 क्या है? A1 प्रोटीन है। A2 क्या है? A2 भी प्रोटीन है। A1 और A2 दोनों गाय के दूध में होते ही है। अगर आप जर्सी गाय का भी दूध लो तो उसमें भी A2 होता है, लेकिन मात्रा उसमें अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर देसी गाय हो तो उसमें A2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और जर्सी गाय हो तो उसमें A1 का प्रमाण ज़्यादा होता है। ये एक पार्ट हो गया, क्योंकि A1 का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन से जो भी बायोमोलिक्यूल्स तैयार होते हैं आगे, मतलब जब वो पेट में जाता है और उसका जब पचन होता है, तो उसके बाद में जो बायोमोलिक्यूल्स बनता है, तो उसके माध्यम से हमको ये रोगों की ये मिलती है, जिसमें ये ऑलरेडी प्रूवन है। बहुत सारे रिसर्च पेपर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसमें आपको पता चलता है कि उतने ज़्यादा प्रमाण में छोटे बच्चों में डायबिटीज़ और सिज़ोप्रेनिया का प्रमाण सिर्फ A1 मिल्क से ही होता है। तो इसके लिए A2 मिल्क मतलब देसी गाय का दूध। अभी ये देसी गाय का जो दूध है उसको मैं प्रमाण बताता हूँ कि अगर हम एक जर्सी गाय का दूध लें और देसी गाय का दूध लें, तो उसमें सिर्फ A1 और A2 यही डिफरेंस नहीं है जो कि हमें बताया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स जो भी आप हमारे माँ के दूध से हमको मिलता है, जो प्रोटीन्स हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, तो वही इम्यूनोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें IgG इम्यूनोग्लोबिन हो गया, IgA इम्यूनोग्लोबिन हो गया। तो ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फैक्टर हम बोलते हैं, वो सिर्फ देसी गाय के दूध में होते हैं। लेकिन ये टेस्टिंग नहीं किया जाता, हम तो सिर्फ A1 और A2 का टेस्टिंग करते हैं और हम बोलते हैं कि ये दूध अच्छा है। लेकिन क्या क्या अच्छा है वो हम जस्ट समझना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है, और देसी गाय के दूध में इम्यूनोग्लोबिन है, देसी गाय के दूध में इजीली एब्सॉर्बेबल कैल्शियम है, उसमें A2 प्रोटीन है और उसमें सुवर्णक्षार भी है। तो ये सब कैसे आते हैं? क्योंकि गाय जब गव्य तैयार करती है, उसमें हम पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य मतलब दूध, घी, ताक, गोबर और गोमूत्र, इसको हम पंचगव्य कहते हैं। तो ये पंचगव्य जो है, ये इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि उसमें सन के जो रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब होता है हम के माध्यम से, और उसके माध्यम से जो भी गाय छोड़ती है उसको गव्य कहा जाता है। इसमें एक और भी एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जग में कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कुछ खाने के बाद, मतलब अगर हमने समझा कि 100 कैलोरी का खाना उसको दिया है, तो उसका जब आउटपुट का एनालिसिस करेंगे तो वो कहीं 30% 40% तक आउटपुट आता है। इसको बोलते हैं प्रोसेस लॉस। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ पार्ट यूज़ किया जाता है बॉडी से और बचा हुआ पार्ट निकाला जाता है। इसीलिए हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी डिग्रेड हो चुकी है। लेकिन गाय में ये बात नहीं है। गाय में हम्प होने के कारण, सूर्य की वजह से, उसमें एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होता है। अगर 100 कैलोरी गाय को दी जाए तो गाय बाहर निकालते वक्त 1000 कैलोरी निकालती है। किसके माध्यम से? गोमूत्र के माध्यम से, गोमय के माध्यम से, मतलब गोबर जिसे हम कहते हैं उसके माध्यम से, दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से। इसका अगर एनर्जी एनालिसिस किया जाए तो इसको बोलते हैं कि गाय प्रोसेस लॉस थ्योरी फॉलो नहीं करती। दुनिया में सिर्फ एक ही प्राणी ऐसा है जो प्रोसेस लॉस थ्योरी फॉलो नहीं करता, और इसी के लिए गाय वंदनीय है। क्योंकि गाय में जो माता के दूध में प्रमाण है वही दूध होता है। इसीलिए आदमी 9 महीने माँ का दूध पीने के बाद में गाय का दूध पीता है। तो ये जो पूरा परिवर्तन है,
इसको लेके हमने ये सोचा कि हमारे शहर में घर घर में देसी गाय का दूध ही मिलना चाहिए। अभी इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल बात करेंगे कि देसी गाय का दूध अगर मुझे लेना है तो गाय का दूध का प्राशन ऐसे कहा जाता है कि एक घंटे के अंदर, एक कलाक कहते हैं, एक कलाक मतलब ढाई घंटा होता है, ढाई घंटे के अंदर गाय का दूध निकालने के बाद में आपने पी लेना चाहिए तो ही आपको उसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आज का अगर सिनेरियो देखा जाए तो हम ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ प्रोसेसिंग देते हैं। तो अलग अलग प्रोसेसिंग डेयरी सेक्टर में बात की जाती है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक प्रोसेसिंग जो अभी अपने शहर तक के दूध पहुँचने के पहले होनी ज़रूरी है उसको कहते हैं पाश्चराइजेशन। तो हमारा जो मिल्क है, देसी गाय का मिल्क हम जो बोलते हैं, तो वो मिल्क में सिर्फ पाश्चराइजेशन होता है। पाश्चराइजेशन मतलब सिर्फ इसमें डीकंटेमिनेशन, जैसे जो भी जीवाणु रहते हैं वो जीवाणु को डीकंटेमिनेट करके शुद्ध प्रति का दूध आप तक पहुँचे, इसलिए प्रयास किए जाते हैं। तो इसमें फील्ड से दूध निकालने के बाद उसको पाश्चराइज किया जाता है, पाश्चराइज करने के बाद वो आप तक पहुँचाते हैं।